तो हेलो गेमर, इट इज मी सेल्सो और इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2 के एक और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल पर यहाँ पर सुबह हो चुकी है और जो मेरा छोटा बेटा था वो बड़ा हो चुका है। फिलहाल पर ये काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि मैंने इसको काम से हटा दिया है और भाई इसको मैं पढ़ने लिखने के लिए भेज रहा हूँ। तो अभी तो फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा खुश है और ये खुश है तो भाई इसके करके जो मेरी वाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है। हालांकि मेरा मन था कि यहाँ पर मैं एक और एक बच्चा कर दूँ, लेकिन भाई ये कह रहे कि एक से ज़्यादा बच्चा हम यहाँ पर नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, इसकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने इन दोनों को काम से निकाल दिया है क्योंकि यार ये कुछ खास तो कमाते नहीं थे, इसलिए भाई यहाँ पर इनको मैंने काम से निकलवा दिया है। और वैसे भी ये यार घर में बैठ के आराम ही करेंगे। फिलहाल भाई यहाँ पर मैंने फ्रिज में खाना पीना पूरा भर दिया है ताकि इनको जब भूख लगे तो ये खाना पीना भी खा ले। अगर भाई फ्रिज के अंदर मैं खाना पीना ना रखूँ ना तो भाई इनका दिमाग एकदम ही ख़राब हो जाएगा और ये मुझे घर से लात मार के निकाल देंगे। इसलिए भाई ये ना, इसलिए मैंने भाई फ्रिज में खाना पीना भर के रख दिया है। फिलहाल भाई यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। एक तो भाई यहाँ पर मैं पूरी रात नहीं सोया तो भाई मेरे को नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। पर चलो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर थोड़ी देर हम काम करेंगे और जल्दी घर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो लिफ्ट को हमने भरा लिया है और चलते हैं नीचे की तरफ। और नीचे जाते जाते मुझे एक और एक बात याद आई कि यहाँ पर होबो ने मुझे कुछ नया मिशन देना था। देखते आज वो हमें क्या नया मिशन देता है, क्या वो इंटरेस्टिंग मिशन होगा या बेकार मिशन होगा। और जैसे कि आप देख रहे हो भाई, मेरे को यहाँ पर नींद काफ़ी जोर के लग रही है। हालांकि भूख भी मुझे लग रही है, पर कोई बात नहीं यार, देखते कितना काम हम कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल भाई यहाँ पर मेरे पास कुछ सामान पड़ा था जो कल भाई मैंने सेल करना था लेकिन मैं भूल गया था, तो इन सबको हम यहाँ पर सेल कर देते हैं और इन्हें बेच के मेरे ख्याल से हमारे पास कम से कम $1000 तो बन चुका होगा। तो यहाँ पर सामान वगैरह हमने बेच दिया है, लेकिन अभी मुझको लग रही है बहुत जोर के भूख, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो एक काम करते भाई, यहाँ पर पहले थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं ताकि हमारी भूख मिट जाए। ठीक है भाई, यहाँ पर खाना पीना खा लिया है, भूख तो मिट चुकी है लेकिन अभी भी यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो एक काम करते अपनी जो एबिलिटी है ना उसे थोड़ी सी बढ़ा लेते ताकि भाई ज़्यादा देर तक हमको नींद ना आए और उसके बाद हमें भूख भी ज़्यादा देर तक ना लगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर हमारी एनर्जी तो हम फुली कर देते हैं। ठीक है, एनर्जी फुल हो चुकी है और स्ट्रेंथ भी हमने थोड़ी सी बढ़ा ली है। तो यहाँ पर एनर्जी का बार तो हमारा पूरा भर चुका है, तो मतलब भाई हमारे अंदर एनर्जी कूट कूट के भर चुकी है। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर हमें होबो मिल गया और ये यहाँ पर क्या कह रहा भाई साहब? ये कह रहा है कि ये एक आर्क रिएक्टर बना रहा है कुछ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसको बनाने के लिए ना इसको भाई यहाँ पर $25,000 चाहिए। और मैंने इसे पे करने की कोशिश करी लेकिन भाई मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं है। भाई ये होबो बना क्या रहा है यार, देख लो कितने ज़्यादा पैसे हमसे मांग रहा है। मतलब 1000 मांगता तब भी मैं इसको दे देता, 2000 मांगता तब भी मैं इसको देता, लेकिन $25,000 ये मांग रहा है हमसे। भाई वो फ़कीर है या हम फ़कीर है, पता नहीं भाई यहाँ के गरीबों को हो क्या रखा है। भाई $25,000 हमसे मांग रहा है, वो भी उधार मांग रहा है, बेवकूफ़ कहे का। यहाँ पर भाई मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, उसको मैं $25,000 दूंगा। खैर उसको देने तो पड़ेंगे क्योंकि भाई अगर नहीं देंगे तो हमारा जो मिशन है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखते भाई यहाँ पर अगर हम कमा पाए इतने सारे पैसे तो हम उसको ज़रूर यहाँ पर $25,000 दे देंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं भाई यहाँ पर हम इसे कमा पाएंगे क्योंकि 25,000 भाई कहने को 25,000 है लेकिन उसे कमाते कमाते ना नानी याद आ जाएगी। फिलहाल भाई यहाँ पर ना पैसे तो हम बाद में कमा लेंगे, लेकिन अभी मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो मैंने आर्किड गेम्स रखी हुई है ना, मैं सोच रहा हूँ इनको मैं बेच देता हूँ क्योंकि ये फालतू में ना यहाँ पर काफ़ी जगह घेरती है। इनके जगह पर यहाँ पर हम कोई गेमिंग सेटअप रख सकते हैं या कुछ और सेटअप रख सकते हैं जिनसे हम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आर्किड गेम को हम रख तो लेंगे, उनसे भी पैसा कमा लेंगे, लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। अभी हम देख लेते हैं बिल क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा आ चुका है जो कि $41 है, बहुत ही सस्ता बिल आया हमारा। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर हमने बिल वगैरह पे कर दिया है। और क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट में देखो भाई कितने ज़्यादा बिटकॉइन का प्राइस बढ़ चुका है। अभी फिलहाल भाई मेरे पास यहाँ पर कोई भी कॉइन नहीं है, ना ही बिटकॉइन है ना ही डोगी कॉइन है, नहीं सारा कुछ मैंने बेच दिया है। उन्हें बेच के भाई यहाँ पर हमें कुछ पैसे मिले थे जिनसे भाई हम यहाँ पर एक नया सेटअप बना रहे थे। ठीक है, और फिलहाल भाई यहाँ पर कैफ़े वगैरह हमने खोल दिया और कस्टमर भी आने शुरू हो चुके। एक काम करते सबका प्राइस एकदम हाई कर देते भाई, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर मैं कितना बड़ा लालची हूँ और भाई हमको पैसों की ना बहुत ज़्यादा लोड है, इसलिए भाई यहाँ पर हमने प्राइस सबका हाई कर दिया है। जो कस्टमर आना चाहता है वो आएगा और जो भाई आना नहीं चाहता वो लात खाएगा। तो यहाँ पर कस्टमर तो वैसे काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है, और वैसे भी हमारी सर्विस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको भाई हमारे कैफ़े में खाने को मिल जाएगा, आपको मेरे कैफ़े में एसी मिल जाएगा, आपको मेरे कैफ़े में बाथरूम भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइस तो हाई होने ही चाहिए। एक काम करते हैं भाई, हमारे पास यहाँ पर एक थीरियम कॉइन तो है और वो हमने बेच दिया है, ज़्यादा पैसे नहीं मिले थे,
$180 हमें मिले थे इथेरियम के। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर हम बहुत जल्द यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बिटकॉइन बाय करेंगे। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर लड़की बिना पैसे दे भागी क्या? ओ हमारे बॉडीगार्ड ने उसको दो दिया। बहुत बढ़िया काम करा बॉडीगार्ड तूने। यहाँ पर ना भाई ऐसे ही करते हैं लोग, जब भी मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ ना यहाँ पर कंप्यूटर को चलाने में, भाई कस्टमर आते हैं और गेम खेलते और बिना पैसे दिए भाग जाते। तभी भाई यहाँ पर मैंने बॉडीगार्ड को हायर करके रखा हुआ है ताकि वो उनको थोड़ा सबक सिखा सके। फिलहाल भाई यहाँ पर मैं पता क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक नया सेटअप बना लेना चाहिए। वैसे भी हमारे पास कुछ खास सेटअप नहीं है। सबसे पहले तो भाई हमारी जो आर्किड गेम्स है ना, इन्हें मैं बेचना चाहूँगा क्योंकि इनके वजह से ना हमारे जो कैफ़े में स्पेस काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा है। तो भाई मैं यहाँ पर मैं अपने आर्किड गेम को बेच दूँगा और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ नया सेटअप बनाते हैं। वैसे आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि यहाँ पर भाई जो हम गेमिंग सेटअप बनाने वाले, जो भाई यहाँ पर हम टेबल लेने वाले ना, वो टेबल बहुत ज़्यादा बढ़िया टेबल है, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन भाई बढ़िया टेबल है। तो एक मिनट भाई, यहाँ पर हमें एक मेल आई है, पहले वो चेक कर लेते हैं। वो बाउंसर की मेल है और कह रहा है कि भाई बाउंसर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जो बिना पैसे दिए जाते हैं ना भाई उनको ये तोड़ता बहुत है। तो बढ़िया काम चल रहा है हमारा बाउंसर का। तो फिलहाल भाई यहाँ पर हम जाते हैं अपने ज़मांज़ोर की वेबसाइट में और यहाँ पर भाई हमें लेना है कंप्यूटर केस। लेकिन भाई यहाँ पर मेरे को नींद देखो कितनी ज़्यादा आ रही है। अगर भाई जल्दी मैं घर नहीं पहुँचा ना तो मेरे ख्याल से मेरे को भाई यहीं पर ब्लैकआउट हो जाऊँगा और मैं यहीं पर ही सो जाऊँगा। तो हमको भाई ये काम को फटाफट ख़त्म करना पड़ेगा। फिलहाल भाई एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर एक मोहतरमा आ चुके जो हमें पैसे दे रहे हैं। एक मिनट दीजिए मैडम जी पैसे, ठीक है। तो यहाँ ओ भाई साहब $450 दिए मैडम ने हमको, और यहाँ पर एक बंदा बिना पैसे दिए भाग रहा था, जो हमें भाई $804 देने थे बिना पैसे दिए भाग रहा था, उसको तो बॉडीगार्ड ने धो दिया और जो मैडम ने हमें $400 दिए। मतलब भाई यहाँ पर हमारी कमाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रही है, हमें बस प्राइस को बढ़ा के रखना है और देखना भाई यहाँ पर कितने जल्दी हम कितने ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। तो फिलहाल भाई यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लेने वाले वो एकदम ही लग्जरी होने वाला है क्योंकि सस्ते से काम नहीं चलेगा। और भाई अगर हमने अपना नाम भाई महंगे कैफ़े रखना है ना, तो भाई सामान भी महंगा होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट आ गई है, उसे एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मैं सोच रहा था कि अपने कैफ़े का हम थोड़ा नाम भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी अपने कैफ़े का नाम सस्ता कैफ़े, क्योंकि अभी ज़्यादा सामान नहीं है। लेकिन हमारे कैफ़े में जब ज़्यादा सामान हो जाएगा ना, महंगे महंगे सामान हो जाएंगे, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तब रख लेंगे हम अपने कैफ़े का नाम महंगा कैफ़े। या उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे अपने कैफ़े का नाम कुछ और रखना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, बिना लाइक करे देख रहे हो ना, तो इसका मतलब भाई आप बहुत बहुत ज़्यादा कंजूस हो, क्योंकि लाइक करने का काम तो भाई फ्री का है और आप वो भी नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब या तो आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है और तब भी आप देख रहे हो, या तो आप बहुत बहुत ज़्यादा कंजूस हो। और आपको पता है भाई हमारे कैफ़े में कंजूस लोग का कोई भी काम नहीं है। तो फिलहाल भाई यहाँ पर मैंने एक मिनट भाई साहब, अरे यार मैं तो ब्लैकआउट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, इतनी ज़्यादा मैंने आपके साथ यहाँ पर बकचोदियाँ करी और यहाँ पर भाई मैं भूल ही गया कि मेरे को सोना भी था। खैर यहाँ पर मैं घर तो वापस पहुँच चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे घर में बारिश हो रही है। ये कैसा घर भाई, मेरे घर क्या चूता है क्या यहाँ से, मतलब पानी की लीकेज है क्या हमारे घर में? देख रहे हो भाई बाहर बारिश हो रही है और मुझे भाई घर में फील हो रहा है कि घर के अंदर भी बारिश हो रही है। ये क्या भाई, ये कौन सा मेरा घर है भाई, ये तो एकदम बेकार घर है। देख रहे हो भाई लीकेज वगैरह हो रही है, मतलब मेरे कैफ़े तक में भाई लीकेज नहीं होती है, लेकिन जो मेरा घर है वहाँ पर लीकेज होती है। कैसा घर है यार, खैर कब क्या बोले भाई, गरीब का घर गरीब वाला ही होना चाहिए था। फिलहाल भाई यहाँ पर लिफ्ट भी नहीं आ रही है, एक तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ऊपर से लिफ्ट भी नहीं आ रही है। और भूख देखो भाई मेरे को दोबारा से लगनी शुरू हो गई है, पता नहीं भाई एक दिन में कितना खाना खाता हूँ। मेरे ख्याल से मैं एक दिन में ना 6 से 7 बर्गर खा लेता हूँ, एक जाते वक्त खाता हूँ 3 बर्गर और घर आते वक्त 3 बर्गर, तब भी मेरे को भूख लगती रहती है। खैर भाई यहाँ पर हम पहुँचने वाले नीचे की तरफ और देखते भाई यहाँ पर आज हम $25,000 कमा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि यार ये भाई हमको कमा के ना होबो को देना है ताकि वो हमारे लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग मिशन लेके आए। तो यहाँ पर खाना पीना मैंने खा लिया है और पहुँच चुके अपने कैफ़े की तरफ। देखो भाई हमारे कैफ़े में लीकेज नहीं होती है, कैफ़े एकदम बढ़िया है, लेकिन हमारा जो घर है ना वहाँ पर भाई पानी की लीकेज होती रहती है, पता नहीं कैसा घर है। और फिलहाल भाई मेरे ख्याल से यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमने मंगाए थे वो आ चुका होगा ना, तो उनको हम बाद में सेट करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मेरे दिमाग में चल रहा है भाई यहाँ पर हमको कमाने फटाफट से पैसे, और हमारे टाउन में ना एक दुकान है जहाँ पर भाई मैं पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ और उनसे ना बहुत जल्दी पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन
रिस्क भी उतना होगा। तो ये वो दुकान है भाई जहाँ पर हम घोड़ों में पैसे लगा सकते, मतलब एक तरह का हम भाई यहाँ पर सट्टा खेलेंगे, और अगर भाई हमारा घोड़ा जीत गया तो यहाँ पर हमको मिलेंगे ढेर सारे पैसे। ढेर सारे पैसे नहीं, लगभग $1,000 या $500 कुछ मिलेगा, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक मैंने कभी ट्राई नहीं करा। तो यहाँ पर भाई हम मेरे ख्याल से 2 दिन घोड़ों में पैसे लगा सकते। क्या बात है भाई, मैंने ग्रीन में लगा लिया और रेड पे लगा लिया और ब्लू में भी लगा लिया, ब्लू है या पर्पल है, उन तीनों घोड़े पे भाई मैंने पैसा लगा लिया है। और मेरे ख्याल से 2.5 मिनट के बाद हमारी रेस शुरू हो जाएगी और हमें भाई पता लग जाएगा कि विनर कौन है। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो क्यों ना भाई यहाँ पर हम वापस जाते हैं अपने कैफ़े में और देखते हैं हमें यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है। तो हमें यहाँ पर 3 रिक्वेस्ट आ रखी है भाई, फटाफट से इनको अप्रूव कर देते। ठीक है भाई, चलो भाई अप्रूव हमने कर दिया है, अब हमारे कस्टमर यहाँ पर मज़े से गेम खेलते जाएंगे। और इतना भाई यहाँ पर हमारे पास जो है दो आर्केड गेम्स है ना, इनको हम बेच के आते क्योंकि वैसे भी यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। इनसे हमारी कमाई हो तो रही है पर लेकिन कुछ खास नहीं हो रही है, और इनसे हमारी कैफ़े की जगह ना काफ़ी ज़्यादा घिर जाती है। तो एक काम करते हैं, इनको बेच के आते, और बेच के आते भाई हमें टाइम तो लग ही जाएगा। इतना भाई यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारा भाई विनर जो हमने पैसे लगाए वो घोड़ा जीता कि नहीं जीता। ठीक है, तो ये रहा वो बंदा भाई जिसको हम यहाँ पर सामान देंगे। तो भाई इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, $910 हमको भाई एक सामान देने के मिल गए, और टोटल भाई मेरे ख्याल से यहाँ पर $1,820 हमने कमा लिए, तो काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ से मैंने एक स्प्रे भी ले लिया है क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा जो दुकान का स्प्रे है वो ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर भाई दुकान में पहले स्प्रे को छोड़, अरे पैसे दिए बिना, ओ क्या बात है, बढ़िया भाई, बंदा बिना पैसे दिए भाग रहा था, हमारे बॉडी गार्ड ने उसे भाई क्या खतरनाक किक मारी, वो उतरी बेहोश हो गया। तो एक काम करते भाई यहाँ पर हम चेक कर लेते कोई रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है। तो यहाँ पर हमें एक रिक्वेस्ट आई थी जो हमने अप्रूव कर दी है, और मेरे को लगता है भाई यहाँ पर हमारी रेस भी शुरू होने वाली है। तो फटाफट चलते भाई और देखते हैं कि जो हमने पैसे लगाए थे घोड़ों में वो जीते हैं कि नहीं जीते। अभी भी यहाँ पर यार 1 मिनट रहता है भाई, ये गेम कब स्टार्ट होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और अभी तक भाई यहाँ पर हमारी रेस स्टार्ट नहीं हुई है। एक बार अरे यार ये हो क्या रहा है भाई, यार भाई रेस स्टार्ट कर दिया, इतने टाइम से मैं यहाँ वहाँ पागलों की तरह घूम ही जा रहा हूँ कि रेस कब स्टार्ट होगी कब स्टार्ट होगी। लेकिन भाई यहाँ पर यार कभी 1 मिनट रहता है, कभी यहाँ पर 2.5 मिनट रहते, पता नहीं हो क्या रहा है, मतलब भाई रेस स्टार्ट होनी भी है कि नहीं होनी है, दिमाग ख़राब हो जाता है यार। रेस ना मेरे ख्याल से भाई 1-1 मिनट में स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि 6-6 मिनट में 7-7 मिनट में, कोई पागल ही होगा भाई जो इतना वेट करेगा। खैर भाई चलो एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं, इस बार तो मेरे को लगता है कि टाइम हो गया होगा, रेस हमारी स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है, ये मेरा पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर मैं जीता हूँ कि नहीं जीता हूँ, वो तो बस भगवान के ऊपर है। तो बस रेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर 3, 2 और ये 1, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से रेस स्टार्ट हो चुकी है। और ये कौन से रंग का घोड़ा है जो ओ भाई साहब, यहाँ पर हम जीत चुके $500, मतलब यहाँ पर $300 हमने लगाए थे और $200 का हमको फ़ायदा हो चुका है, क्या बात है भाई। वैसे देख के लग नहीं रहा कि यहाँ पर ये ग्रीन रंग का घोड़ा जीता है, पर यहाँ पर हम जीत चुके पहली बार में, मज़ा आ गया। एक काम करते थोड़ा और पैसा लगा, ये क्या हुआ भाई, 1 मिनट भाई साहब, ओ भाई पुलिस वाले ने हमको अरेस्ट कर लिया। मेरे ख्याल से लगता है भाई यहाँ पर ना जुआ खेलना इल्लीगल है, लेकिन भाई जो जुआ खिला रहा है उसको तो पकड़ा ही नहीं उन्होंने, क्या बेवकूफ़ लोग है भाई। यहाँ पर मतलब जुआ खेलने वाले को भाई यहाँ पर सजा मिलती है, लेकिन जो जुआ खिला रहा है उनको कुछ भी नहीं, मतलब अलग ही कानून है यहाँ का। खैर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने दोबारा से पैसे लगा दिए, ठीक है, घोड़े में, और यहाँ पर हमें बस 7 मिनट का वेट करना है और उसके बाद भाई हमारी घोड़ों की रेस शुरू हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर हम कमाएंगे ढेर सारे पैसे अगर जीत गए तो। ठीक है, वैसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, 300-500 कुछ मिला, पर चलो कोई बात नहीं, जितना मिला उतना हमारे लिए बढ़िया है। 1 मिनट भाई साहब, यहाँ पर कुछ कस्टमर हमें पैसे दे रहे तो हमने ले लिए, और यहाँ पर देखते कोई रिक्वेस्ट आई कि नहीं आई, तो कोई भी रिक्वेस्ट अभी नहीं आई है, और प्राइस थोड़ा और बढ़ा लेते हैं एक दो कंप्यूटर के। 1 मिनट भाई साहब, यहाँ पर हमने थोड़े बहुत तो प्राइस बढ़ा लिए। फिलहाल भाई ये जो टेबल है ना जो हम लेके आए थे, इसको मैं सोच रहा हूँ ना हम ऊपर की तरफ लगा दें, क्योंकि काफ़ी महंगे टेबल है और नीचे तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहे हैं। इधर लगा दे क्या, यहाँ पर भी बढ़िया लग रहा है ना, ये रूम हमारा गेमिंग रूम हम बना सकते हैं और बढ़िया लगेगा, तो लगा के देखते। तो बढ़िया तो लग रहा है, लेकिन फिलहाल भाई ये जो हमने LED लगाई है ना, इसकी वजह से ना हमारी दुकान कुछ ज़्यादा ही चमक रही है, मतलब मेरी आँखें तक जल रही है भाई, इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही है। तो इनका हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ना हमारी जो LED है ना उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोशनी में भाई मेरे को तो भाई आँखें दर्द होने लगी है।
तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो भाई यहाँ पर मेरी आंखें भाई जल के राख हो जाएगी। तो वो सब हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो जो सामान हमारे पास आए थे उन सबको भाई हम ऊपर के कमरे में रखने वाले और उनको सेट करने वाले। देखते भाई यहाँ पर ये वाला सेटअप ना सेट होने के बाद कैसा लगता है। फिलहाल भाई मेरी आंखों में तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है ये सब देख के। एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो LED जल रही है ना इसको बंद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। एक तो हमारे जो गेमिंग सेटअप है वो इतनी रोशनी देते हैं, और उसके बाद भाई यहाँ पर जो हमने LED लगाई है वो और ज़्यादा रोशनी देते। हालांकि देखने में तो काफ़ी मज़ेदार लगता है, लेकिन भाई यहाँ पर ना इसे अगर आप लगातार देखते जाओगे तो आपकी आंखों में दर्द होना लग जाएगा। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने कुछ टाइम के लिए ना LED बंद कर ली है, और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना भाई यहाँ पर नए टाइप का पेंट कर लिया जाए, और फ्लोर वगैरह भी हम यहाँ पर पेंट कर लेते हैं। फ्लोर हो गया, वॉल हो गया, ये सब हम नया पेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते भाई यहाँ पर हम और क्या नया नया कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने वॉल तो कर ली है, फ्लोर देखते कौन सा लगाए, और डेस्क फ्लोर देखते पहले यार। सबसे पहले तो कोई बढ़िया ये से लग रहा है मुझे, पिंक रंग का कौन से रंग का ये ठीक लगेगा मेरे ख्याल से, तो लगा के देखते भाई कैसा लगेगा। तो ये हमने लगा लिया है, और डेस्क देखते कौन सा हम लगाएं। एक मिनट, ये भी यही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पर पेंट वगैरह काम ख़त्म हो चुका है, LED हमने निकाल दिया है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। फ्लोर और जो ऊपर का है ना वो एकदम ही सेट लग रहा है, मस्त लग रहा है। मतलब भाई मेरे को लगा नहीं था इतना बढ़िया लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा सस्ता कैफ़े ना महंगा कैफ़े हो ही जा रहा है। हमारा फ्लोर और जो सीलिंग है ना एकदम बढ़िया लग रही है, नया पेंट हो चुका है। शुक्र है भाई यहाँ पर मैंने LED लाइट को बदल दिया। मतलब भाई यहाँ पर ना LED से काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग हो रही थी, मेरी तो आँखें तक जल रही थी। खैर उनको हमने बंद कर लिया है, उनको बाद में जला देंगे अगर हमें लगा तो, लेकिन अभी के लिए तो भाई उनको हम बंद ही कर देते हैं। एक मिनट भाई साहब, इसको पहले सेट कर लूँ मैं। हाँ ठीक है भाई, यहाँ पर हमारा CPU सेट हो चुका है, बस दो तीन चीज़ें लेती है। ओ यार मेरे को तो याद भी आया कि यहाँ पर हमने बैटिंग में भी तो पैसा लगाया यार, वो भी तो जाके देखना है कहीं हम ज़्यादा लेट ना हो जाए बस। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारे पास 3 मिनट है, और 3 मिनट के बाद भाई हमारी रेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक और एक घोड़े पे पैसा लगा लिया, क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ पर एक घोड़े पे पैसा लगाऊंगा ना तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मैं हार जाऊँगा, लेकिन अगर भाई यहाँ पर मैं 2-3 घोड़ों में पैसे लगाऊँगा ना तो काफ़ी हद तक चांस है कि उनमें से मेरा एक ना एक घोड़ा तो जीत ही जाएगा। तो फिलहाल भाई अभी मैंने यहाँ पर 2 घोड़े में पैसे लगा लिए, जो कि $200 है, ठीक है कुल मिला के। और यहाँ पर अगर हम जीत गए तो हमें सीधा $500 तो मिल ही जाएंगे। तो बस देखते भाई यहाँ पर आज हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिलहाल तो भाई मेरे को यहाँ पर चाहिए 23,000 चाहिए होबो के लिए, ठीक है। और वो कमाने में मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर हमारा कीबोर्ड तो रह गया है, कीबोर्ड और मेरे ख्याल से माउस रह गया है, उसके बाद हमारा ऊपर का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो उसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है भाई। नहीं, माउस रह गया, बस एक माउस रह गया, उसके बाद ये वाला सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल भाई चलते हैं हम अपने बैटिंग देखने के लिए कि यहाँ पर टाइम तो नहीं हो गया क्या। मेरे को लगता है भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है। एक मिनट भाई साहब, सामने की तरफ तो पुलिस वाला, देख लो भाई। ओ भाई साहब, यहाँ पर हम ना फंसते बच गए। भाई जब भी पुलिस वाला सामने होता है ना, आप इस दुकान के इर्द गिर्द भी मत घूमो, क्योंकि अगर पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया ना तो भाई आप पर ये फाइन लगा देगा और आपसे पैसे चार्ज करेगा। इसलिए भाई जब भी पुलिस वाला होता है ना भाई, उस दुकान के आमने सामने भी मत भटको। अगर भटकोगे और पकड़ लिया ना तो भाई आपकी रेल बन जाएगी। फिलहाल यहाँ पर 2-3 रिक्वेस्ट हमें आ रखी है, तो इनको अप्रूव कर देते हैं। और यहाँ पर माउस लगाने के बाद हमारा सेटअप है कम्प्लीट। एक मिनट, दोबारा आ गया क्या? नहीं, यहाँ पर हमारे लिए कोई मैसेज नहीं है। तो यहाँ पर भाई जैसे ही मैंने माउस लगाया, हमारा ऊपर वाला सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और उससे भी हम पैसे कमाना शुरू कर देंगे। तो ठीक है भाई, इसको यहाँ पर रख देते हैं। और एक मिनट, ठीक है भाई, यहाँ पर हमारा ऊपर वाला सेटअप तो कंप्लीट हो चुका है। और मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर हमारा टाइमिंग हो चुका है क्या यार? एक तो भाई यहाँ पर रेस को स्टार्ट होने में टाइम इतना ज़्यादा लेता है, मैं क्या बताऊँ। मतलब बंदा भाई खुद ही परेशान हो जाएगा कि गेम हमारी कब स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर अभी भी टाइम रहता है। एक काम करते, थोड़ा बाहर निकल जाते, क्योंकि पुलिस वाला कभी भी कहीं से भी टपक सकता है। तो हमको भाई इस दुकान से थोड़ा दूर ही रहना है, जब तक टाइम नहीं होता है इस दुकान से दूर रहो, और जैसे टाइम होता है भाई दुकान के अंदर घुस जाओ और देख लो भाई कौन सा हमारा घोड़ा जीता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल भाई यहाँ पर हम थोड़ा वेट करने वाले हैं, और 20 सेकेंड रहते हैं बस। हमको पुलिस वाले में भी नज़र रखनी है भाई, कि कहीं पुलिस वाला हमें ना देख ले। मिनट भाई साहब, यहाँ पर 17-18 सेकंड रहते हैं। अरे भाई फटाफट से टाइम गुजर जाए ना, पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लगता है। बस 9,
8, 7, 6, 5। एक मिनट, वो पुलिस वाला तो नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो थोड़ा जाके देख लेते हैं कि रेस में कौन सा घोड़ा जीतेगा। तो यहाँ पर हमारी रेस एग्जैक्टली स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर भाई घोड़े भागने शुरू कर रहे हैं। फिलहाल भाई सबसे आगे अभी पिंक वाला घोड़ा है और मैंने पिंक में पैसे नहीं लगाए शायद से, ठीक है। तो अरे यार ऐसे तो मैं हार जाऊँगा भाई। नहीं, पिंक में मैंने, ओ पुलिस वाला दोबारा से, अरे यार, अरे कितने पुलिस वाला। अभी एक बार हमने पहले अपनी गेम देख लेते, उसके बाद भाई हम खुद ही सरेंडर कर देंगे। तो अभी भाई यहाँ पर जो पिंक रंग का घोड़ा वो सबसे आगे है और भाई हाँ मेरे ख्याल से हम हारने वाले। यार ऐसा ना हो भाई। अरे पिंक वाले तू थोड़ा पीछे हो जा। नहीं, मैंने पिंक वाले में पैसे लगाए क्या? अबे पिंक वाले घोड़े पे तो पैसे लगाए हमने भाई। भाई हमारा घोड़ा भाग रहा ही है एकदम तेज, तो शायद से हम यहाँ पर जीत सकते हैं। मैं तो भूल ही गया था मैंने कौन से घोड़े में पैसे लगाए, और यहाँ पर भाई हमारा घोड़ा सबसे ज्यादा तेज भाग रहा है और यहाँ पर हम जीतने वाले। अबे भाग, ये रुक क्यों गया? भाग 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 भाग, औरते सबसे ज्यादा तेज भाग भाई। ओ गाइस, यहाँ पर हम जीत चुके और $1,000 जीते भाई साहब। $1,000, क्या बात है, फर्स्ट प्राइज आया हमारा यार। हमारी किस्मत तो भाई मेरे को लगता है काफी बढ़िया चल रही है। और यहाँ पर हम दोबारा से भाई इस पे बैटिंग कर लेते हैं और इस बार हम 2-3 घोड़े बाय कर लेते हैं, ठीक है भाई। 2-3 घोड़े हमने बाय कर लिए, हमारी किस्मत बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है भाई। हमने यहाँ पर 2 बारी खेला और दोनों बारी जीते, हमको टोटल 1,500 रुपये का फ़ायदा हो चुका है। मतलब 1,000 का तो हो ही चुका है अगर देखा जाए टेक्निकली, $1,000 का हमको फ़ायदा हो चुका है। मज़ा आ गया भाई। मेरी किस्मत ना कभी भी इतनी बढ़िया नहीं है जितनी आज है। मतलब भाई यहाँ पर हम ना 2 बारी खेले और दोनों बारी जीते और मज़ा आ गया। एक मिनट भाई, यहाँ पर कितने पैसे? बस 102 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं है यार। पता है नहीं यार, यहाँ पर जो मैं साइड बिजनेस करता ना उनसे मुझे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे कि जो मैंने यहाँ पर हॉट डॉग की दुकान लगा रखी है उससे मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। मेरी पत्नी बाहर काम करने जाती है उससे भी हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। मेरा बेटा तो भीख तक मांगता है भाई, तब भी उसको इतने पैसे नहीं मिलते। बस मैं ही हूँ भाई जो यहाँ पर लाखों रुपये कमाता हूँ और मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरे जितना पैसा कमाता है। तो बस मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके मेरा कैफ़े चलेगा। फिलहाल यहाँ पर हम एक AC लेके आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि ऊपर के ऊपर भाई हम काफ़ी ना सेटअप रखने वाले। तो फिलहाल भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मेरे को निकलना चाहिए अपने घर की तरफ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पर ना हम एक बारी दोबारा जुआ खेल के जाते जाते हैं। मतलब भाई यहाँ पर अब मैंने दुकान को बंद तो कर दिया है, तो सोच रहा हूँ भाई यहाँ पर जो हमने बैटिंग लगाई थी उसके लिए हमको यहाँ पर 6 मिनट तक वेट करना होगा और उसके बाद भाई यहाँ पर ना हम देख पाएंगे। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर बिल आ गया है। ओ तेरे की भाई, यहाँ पर इतना सारा बिल, मॉस्कोट बाउंसर क्लीनर इन सबको मुझे पैसे देने होंगे। भाई क्लीनर देखो कितने ज़्यादा पैसे चार्ज करता है, $600 भाई साहब, इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करता है वो। मतलब भाई यहाँ पर जो हमारा बाउंसर है वो भी इतने पैसे नहीं चार्ज करता जितना ये क्लीनर चार्ज करता है भाई। हद ही होगी, मतलब भाई बेतुकी के पैसे ले रहा है वो मेरे से। मन तो कभी करते करते उसको तोड़ फोड़ के फेंक दूँ, पर चलो कोई बात नहीं भाई उससे हमारी साफ साफ। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर डोगी कॉइन का प्राइस गिर रहा है तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं भाई। यहाँ पर ना कुछ डोगी कॉइन हम बाय कर लेते हैं भाई साहब। यहाँ पर हमें डोगी कॉइन बाय करना होगा क्योंकि भाई यहाँ पर हमको चाहिए ढेर सारे पैसे, वो भी कम समय में। और अभी डोगी कॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम चल रहा है, तो क्यों ना भाई यहाँ पर हम ना कितने, ये 50,000 है कितने मैंने बाय कर लिए मुझे तो पता भी नहीं। मैं तो बस बाय कर लिया भाई डोगी कॉइन जितने बाय कर सकता था, और डोगी कॉइन मैंने यहाँ पर बाय कर लिए और मेरे पास फिलहाल अभी $13,000 पड़े हुए जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर सुबह होगी भाई, सुबह होगी यहाँ पर और हम अपने कैफ़े को बंद कर रहे हैं। सुबह सुबह अलग ही चल रहे हैं हम पूरी दुनिया से। लोग भाई रात को कैफ़े बंद करते हैं, हम सुबह सुबह कैफ़े को बंद करते। खैर भाई यहाँ पर वापस से हम पहुँच चुके हैं अपनी जगह में जहाँ पर भाई हम कमाने वाले थोड़े बहुत पैसे जुआ खेल के, ठीक है। और पुलिस वाले भी भाई सामने घूम रहे तो हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिलहाल भाई यहाँ पर हम थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं अपना, अपनी एबिलिटी थोड़ी बढ़ा के देखते, स्ट्रेंथ बढ़ा लें अपनी क्या कि हंगर बढ़ाए अपना, स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर हमको थोड़ा वेट करना होगा जब तक हमारी रेस ख़त्म नहीं होती है, और जैसी रेस ख़त्म होगी। एक मिनट भाई साहब, पुलिस वाला यहीं घूम रहा है, इसको शक हो गया मेरे ऊपर भाई साहब कि यार ये बंदा यहाँ पर जुआ खेलने की लत लग चुकी है और ये यहीं पर ही जुआ खेलने आया है। तो लगता है भाई इसको मेरे पे शक हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा ज़्यादा हम इसको थोड़े से पैसे दे देंगे और क्या कर सकते। तो यहाँ पर हमको थोड़ा वेट करना होगा 4-5 मिनट का, उसके बाद हमारी रेस शुरू हो जाएगी। और रेस शुरू होने के बाद भाई यहाँ पर हम एक बारी खेलेंगे
और उसके बाद भाई यहाँ पर ना हम जाएंगे अपने घर, क्योंकि भाई यहाँ पर काफ़ी टाइम से हम बस बाहर ही बाहर है, और आपको पता ही है यहाँ पर मेरी शादी हो चुकी है, तो मुझे एक जिम्मेदार पति होने का फ़र्ज़ निभाना होगा, जिम्मेदार पति होने का कह सकते हो या जिम्मेदार बाप होने का, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते जब तक हमारी रेस शुरू नहीं होती है, और उसके बाद रेस को देखेंगे कौन जीतेगा, और उसके बाद घर जाके मज़े से आराम करेंगे। तो गाइस भाई यहाँ पर अब काफ़ी समय बीत चुका है और हमारी रेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, लेकिन भाई यहाँ पर जो पुलिस वाला है ना वो इतने ज़्यादा गेड़े लगा रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है भाई जैसे कि उसको यहाँ पर और कोई काम ही नहीं है, इसी दुकान के इर्द गिर्द घूम ही जा रहा है। पर चलो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर अब हमने पैसे लगा लिए तो हम पीछे तो हटने वाले नहीं है, और यहाँ पर हमारी रेस शुरू हो चुकी है, तो देखते कौन सा घोड़ा यहाँ पर जीतता है। और राइट गाइस भाई यहाँ पर हमारा ब्लैक रंग का घोड़ा जीत चुका है, और उससे हमें $500 का फ़ायदा हो चुका है, मतलब भाई यहाँ पर हमने ना एक दिन के अंदर $2000 कमा लिए, जो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। नहीं तो भाई वैसे मेरी किस्मत ना इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है कि यहाँ पर मैं जब भी पैसा लगाऊँ तब भी जीतूँ, लेकिन भाई यहाँ पर जब भी मैंने खेला है मैं पैसे जीता हूँ, और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। फिलहाल तो भाई मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि पिछले एक दिन से मैं अपने घर नहीं पहुँचा हूँ, और क्या पता भाई मेरी बीवी का मूड ख़राब ना हो, क्योंकि मैं एक दिन से घर नहीं गया हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे से नाराज़ आ बैठा हो। तो सबसे पहले तो भाई हम उनका मूड चेक करेंगे। तो गाइस भाई यहाँ पर मैं घर आ चुका हूँ, और चेक कर लेते हैं भाई इनका मूड कैसा है। तो बेटे का तो मूड एकदम बढ़िया है, ठीक है भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और वाइफ का भी मूड यहाँ पर बढ़िया है, क्या बात है यार। मेरे को लगा नहीं था भाई यहाँ पर ये दोनों यार खुश रहेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर नहीं आता हूँ ना तो इन दोनों का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन अब ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश है, और जब ये खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।